बड़ी खबर कोलकाता से आ रही है, जहां बता दें पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। एसएससी घोटाले में कलकत्ता हाईकोर्ट का ये बड़ा आदेश, 23,000 शिक्षकों की भर्ती रद्द होगी। एक बार फिर से बता दें ये बड़ी खबर है, एसएससी घोटाले में कलकत्ता हाईकोर्ट का ये बड़ा आदेश, 23,000 शिक्षकों की भर्ती होगी रद्द। मामले में सीबीआई की जांच जारी रहेगी। एसएससी को नया पैनल बनाने का भी आदेश दिया गया है और 6 महीने में सैलरी लौटाने के भी आदेश। रविशंकर दत्ता इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रविशंकर, बताएं कोर्ट की तरफ से फिलहाल क्या आदेश में कहा गया है? देखिए, कोर्ट से कहा गया है शिक्षक घोटाली भर्ती में ये जो मामले में ये जो पैनल था, इंटायर पैनल को बर्खास्त कर रहे हैं और जो लोग यहाँ पे नौकरी, जिन लोगों को मिला था 23,000 शिक्षकों को, उनको अपना नौकरी वापस देना पड़ेगा सैलरी के साथ। अब इसका इफेक्ट लोकसभा चुनाव के सामने क्योंकि है, इसके लिए इसका इफेक्ट तो लोकसभा चुनाव में आएगा, क्योंकि बहुत सारा लोग ऐसे थे जो कि पैसा देके, तृणमूल कांग्रेस को पैसा देके ये शिक्षक जो भर्ती है इसमें उनको नौकरी मिला था। अब वो तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ क्या आरोप लगाते हैं या फिर क्या करते हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन अगर 23,000 लोगों की बात यहाँ पे किया जाए तो 23,000 लोग नहीं, उनके परिवार की बात है। अगर यहाँ पे बात किया जाए तो 5 लाख लोगों की बात हो रही है। अब इसका इफेक्ट वोट में कैसे आएगा देखने वाली बात है, लेकिन नया तरीके से पैनल होगा और जो यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जो अभी तक टेस्ट पास कर चुके हैं उनको यहाँ पे नौकरी दिया जाएगा, ऐसा कोर्ट का आदेश है। हालांकि ये भी जरूर जानना चाहूंगी कि आखिर किस तरीके से ममता सरकार की तरफ से पूरे मामले के बाद अभी कोई रिएक्शन सामने आया है कोर्ट का ये आदेश आने के बाद? देखिए, कोर्ट का आदेश आने के बाद मामले में अभी तक तृणमूल कांग्रेस का कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन अंदर की खबर है कि अगर कोलकाता हाईकोर्ट ऐसा ऑर्डर देते हैं तो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और ये आदेश रद्द करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसका असर चुनाव में पड़ सकते हैं। इसीलिए राज्य सरकार पूरी तरीके की कोशिश करेंगे ताकि पूरा यहाँ पे बर्खास्त ना किया जाए और फिर जहाँ जहाँ वहाँ है हटाया जाए उसको। ठीक ठीक है, रविशंकर दत्ता शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका।